दीदी आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? सबसे पहले तुम लोग को एक चित्र दिखाते हैं, ठीक है? अब तुम लोग बताना ये चित्र किस चीज का है। इस चित्र की तरफ ध्यान से देखो, ये किस तरह की आकृति है? वर्ग। ये क्या है? वर्ग। ये वर्ग है, ठीक है। अच्छा बताओ वर्ग क्या होता है? मुदिता तुम बताओ वर्ग क्या होता है? वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। बहुत सही बताया तुमने, प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब कि 90 अंश का होता है, ठीक है। अब ये एक वर्ग क्या करती है? इसमें ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। अच्छा तुम लोग विकर्ण जानते हो? जी दीदी पढ़ा तो था, ठीक से याद नहीं, आप ही बता दीजिए। अच्छा तो हम बताते हैं विकर्ण क्या होता है, ठीक है। देखो किसी भी चतुर्भुज में, चाहे वो तुम्हारा वर्ग है या आयत है या सम चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, किसी भी तरह के चतुर्भुज में दो कोनों को, दो सामने वाले कोनों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। जी जी ठीक है। अच्छा इस चित्र में ध्यान से देखो, इस वर्ग में एक कोना है और सी भी एक कोना है। इस ए और सी को मिलाने वाली रेखा क्या हुई? विकर्ण हुई, इसको हम विकर्ण कहेंगे। तो ए सी क्या हुआ? एक विकर्ण है, ठीक है। अब इस विकर्ण को तुम ध्यान से देखो, ये विकर्ण जो है इस वर्ग को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जी जी जी। दो ऐसी आकृतियां बन रही हैं जो एक दूसरे की बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें एक आकृति की तरफ ध्यान से देखो, ये ए बी और ये सी, यानी कि ए बी सी, ये किस तरह की आकृति तुम्हें लग रही है? दीदी ये त्रिभुज है। हाँ ये सही, बहुत सही बताया तुमने, ये एक त्रिभुज है। अच्छा त्रिभुज क्या होता है बताओ? मुदिता तुम बताओ त्रिभुज क्या होता है? हाँ मुदिता तुम बताओ त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज वो आकृति है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। बहुत सही बताया तुमने, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस चित्र में ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। और तुम्हें देखने से लग रहा है कि ये त्रिभुज जो है एबीसी, ये इस वर्ग एबीसीडी का आधा है, ठीक है जी। और हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि वर्ग एबीसीडी का हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसका हम आधा कर दें, तो हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा है ना जी। अब चलो सबसे पहले हम वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा सूत्र बताओ, एक तुम लोग सूत्र पूछते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये भुजा गुणे भुजा। हाँ बहुत सही बताया तुमने, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। अब इसमें अभी ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो, एक बटे दो का मतलब होता है आधा, ठीक है। एक बटे दो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हुआ किसके? एक बटे दो गुणे भुजा, ठीक है। अब हम इस वर्ग की भुजाओं को देखते हैं, एक भुजा एबी है, एक भुजा बीसी है, एक भुजा सीडी है और एक भुजा एडी है, ठीक है। इस भुजा की जगह पे हम एबी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस भुजा की जगह पे हमने एबी लिख दिया, ठीक है। और दूसरी भुजा की जगह हम बीसी लिख सकते हैं, जी दीदी लिख सकते हैं ना जी दीदी। दूसरी भुजा की जगह हमने ये बीसी लिख दिया है, ठीक है। यानी कि अब सूत्र हो गया एक बटे दो गुणे एबी गुणे बीसी, जी दीदी। अगर अब तुम इस त्रिभुज को ध्यान से देखो तो एबी इस त्रिभुज का आधार नहीं लग रहा है तुम्हें, एबी इस त्रिभुज का क्या है? आधार है ना। तो एबी की जगह पे हम आधार लिख देते हैं, जी दीदी, ठीक है। और BC को देखो, BC इस त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई है, BC इस त्रिभुज की ऊंचाई है, तो BC की जगह हम ऊंचाई लिख देते हैं। इस तरह से इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हुआ एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये तो तुम लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना जी दीदी। अब हम एक और चित्र लेते हैं और उससे भी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को दूसरा चित्र दिखाते हैं। अच्छा अब ये बताओ ये किसका चित्र है? शुभम बताओ। आयत। ये आयत का चित्र है ना, इसको आयत कहते हैं। अच्छा आयत तो तुम लोगों ने पढ़ा है,
हाँ जी आयत जानते हो जी, क्या जी, होता जी। है? आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। बहुत सही बताया तुमने, प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी कि 90 अंश का होता है। ठीक है जी। अब इस आयत को ध्यान से देखो, इसमें ई जी क्या है? ये ई जी लिखा है, ये विकर्ण है। ठीक है, और ये विकर्ण जो है इस आयत ई एफ जी एच को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। जी जी है ना। अगर तुम देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ई एफ जी और एक त्रिभुज बन रहा है ई एच जी, और दोनों त्रिभुज बराबर है, बराबर है ना। जी 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 ठीक है। अब अगर हमको इस त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस ई एफ जी का क्षेत्रफल जो है इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। जी दीदी। होगा ना जी, क्योंकि ये आधा है इसका। जी दीदी। ठीक है, तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जी पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसका हम आधा कर देंगे, तो हमको इस त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है ना। जी दीदी। अब तुम लोग मुझे बताओ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? दीदी ऊंचाई गुणे चौड़ाई। ऊंचाई नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई है आयत की और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है जी दीदी। अब चलो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। जी दीदी। और आयत ई एफ जी एच के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल हुआ 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें आयत में लंबाई की तरफ इस त्रिभुज में देखो तुम, ई एफ जी में ये ई एफ क्या है? आधार। इस आयत की लंबाई है, पहले आयत में चलते हैं। चलो ये ई एफ क्या है? इस आयत की लंबाई है। जी दीदी। तो ई एफ की जगह पे हम लंबाई की जगह पे हम ई एफ लिख दे। जी दीदी। ठीक है ना। जी दीदी। और इसमें देखो चौड़ाई की, हमारी ये चौड़ाई ये है, इस चौड़ाई की जगह पे हम जी एफ लिख सकते हैं। जी दीदी। लिख सकते हैं ना, ये आयत की चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जगह पे हमने लिख दिया जी एफ। इस त्रिभुज में ई एफ क्या है? त्रिभुज का आधार है। जी दीदी। ई एफ त्रिभुज का आधार है, तो ई एफ की जगह पे हमने आधार लिख दिया। जी दीदी। ठीक है, और ये एफ जी क्या है? ये त्रिभुज की ऊंचाई है, है ना, तो जी एफ की जगह हमने ऊंचाई लिख दिया। जी दीदी। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज ई एफ जी के क्षेत्रफल का सूत्र बना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है जी दीदी। आया समझ में? जी दीदी। अब तुमने जो दो त्रिभुज आज देखे, दोनों एक वर्ग में हमने त्रिभुज बनाया था और एक आयत में बनाया था। जी दीदी। ये दोनों समकोण त्रिभुज थे, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत का ही प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, इसमें देखो ये त्रिभुज समकोण है, इसमें ये कोण 90 अंश का है। अब हम ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, और फिर उसका हम त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं। जी दीदी। ठीक है, अब तुम लोग को एक और चित्र दिखाते हैं। ये भी एक आयत का चित्र है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये आयत है। ठीक, इस त्रिभुज का कोई भी कोण समकोण नहीं है। जी। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र हमको निकालना है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये त्रिभुज डब्ल्यू एक्स एन, इसका क्षेत्रफल भी इस आयत के क्षेत्रफल का आधा है। जी दीदी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका हम आधा करेंगे। जी। ठीक है, त्रिभुज एन डब्ल्यू एक्स का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आयत डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें आयत में आयत के सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र तुम लोग को मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई क्या है? डब्ल्यू एक्स। जी। डब्ल्यू एक्स आयत की लंबाई है और वाई एक्स क्या है? इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो हमने सूत्र क्या लिखा? डब्ल्यू एक्स गुणे वाई एक्स। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखो तुम, ये वाई एक्स जो ये एक्स वाई कह लो या वाई एक्स कह लो, ये इस एम एन के बराबर है। जी दीदी। ये एम एन जो एम एन रेखा है, ये रेखा वाई एक्स के बराबर है। जी दीदी।
तो यहाँ पे हम वाई एक्स की जगह पे एम एल लिख सकते हैं, जी जी दीदी लिख सकते हैं ना जी। तो हमारा आप सूत्र बना एक बटे दो डब्लू एक्स गुणे एम एन, जी दीदी ठीक है। अब त्रिभुज में ध्यान से देखो, इस त्रिभुज डब्लू एक्स एन में देखो, डब्लू एक्स क्या है इस त्रिभुज का आधार, आधार है, बहुत सही बताया, डब्लू एक्स त्रिभुज का आधार है। तो डब्लू एक्स की जगह पे हम आधार लिख देते हैं, जी जी लिख देते हैं ना जी जी। अच्छा अब ये एम एन क्या है इस त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई है, बहुत सही बताया, एम एन की जगह पे हम ऊंचाई लिख दें, जी जी ठीक है। हमारा त्रिभुज एन डब्लू एक्स के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना, एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई, एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है समझ में आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जी दीदी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई चौड़ाई नहीं होता इसमें, एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार के ऊपर से ही हम ऊंचाई लेते हैं, जी ठीक है। अच्छा अब त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो सूत्र क्या बनेगा, दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत आधार, जी दीदी ठीक है। संगत आधार का मतलब हुआ जो ऊंचाई है उस आधार पे होनी चाहिए, जी दीदी जी दीदी ठीक है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो और त्रिभुज की ऊंचाई पता हो तो हम त्रिभुज का आधार भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज का आधार बराबर दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन सूत्र निकाले, एक हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकाला और दूसरा आधार का और एक त्रिभुज की ऊंचाई का, जी दीदी। अच्छा मुझे तुम बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक बटे दो गुणा आधार गुणे ऊंचाई, बहुत सही बताया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अच्छा शुभम तुम बताओ त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, दीदी दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार, बहुत सही बताया। त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे संगत आधार, जी